के हाथ में आप जो ये पैकेट देख रहे हैं, पिछले 5-6 महीनों से हम कक्षा 8 के बच्चों के साथ एक कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम या छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने विद्यालय को, अपने आसपास को, अपने वातावरण को पॉलीथिन मुक्त करने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसमें सभी बच्चों ने अपने द्वारा प्रयोग किए गए कुरकुरे, चिप्स आदि के पैकेटों को इकट्ठा किया गया है। आप हम जब इधर उधर अपने पर्यावरण में चारों ओर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कूड़ा फैला रहता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा इन्हीं पैकेटों की होती है और बच्चे ही इनको सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो हमने सोचा कि अगर बच्चे इसको फैला सकते हैं तो बच्चे इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, तो इसी पर्पज़ से हमने इनको इकट्ठा करवाया है बच्चों के माध्यम से। बच्चों ने खुद इसमें आगे बढ़कर इसको इकट्ठा किया, अपने कक्षा में एक छोटा सा पेटी बनाया, पॉलीथीन बैंक उसको नाम दिया, उसमें उसको डालते रहे। जब भी वो इसका यूज़ करते थे घर में तो उसको पैकेट, खाली पैकेट को उस प्लास्टिक बैंक में डालते थे। आज वो भर गया था और दीपावली भी आ रही है, हम अपने चारों ओर अपने घर में साफ सफाई करते हैं, तो उसी पर्पज़ से आज हमने भी इसको खोला और इसको इकट्ठा करके अब हम एक NGO है रीचरखा करके पुणे में, महाराष्ट्र में, उसको हम इन सारे पैकेटों को इकट्ठा करके भेजेंगे और वो इसको रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनाती है, जैसे पेन पर्स है, पाउच है, लैपटॉप बैग है और अन्य प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। तो इसके माध्यम से हम बच्चों के मन में एक भाव डालना चाहते हैं कि हम अपने द्वारा कम से कम पर्यावरण को प्रदूषित करें और इससे पूरे समाज को और अन्य लोगों को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने चारों ओर के पर्यावरण को साफ करने के लिए दूसरे पर निर्भर न रहें या दूसरे की ओर न ताकते रहें, सरकार की ओर न देखते रहें, हम अपनी ओर से भी शुरुआत करके अपने आसपास को स्वच्छ बना सकते हैं। जैसा कि अभी हम पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान, उन्होंने 2015 से हमारे देश में चल रहा है और पॉलीथीन मुक्त, प्लास्टिक मुक्त भारत का पूरा प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। तो उसमें भी हम अपने विद्यालय के बच्चों के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और संदेश भी देना चाहते हैं सभी को कि आप भी इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में, पॉलीथीन मुक्त बनाने में अपने स्तर से सहयोग करें।